धुआं दे रहा है ना, धुआं गरम है। हाँ ज्यादा है ये वाला, वही है ना। और यहाँ पे सर बी एस मोनू भैया जितने भी बच्चे सबको बिस्किट खिला रहे हैं। तो क्या हाल चाल आप सभी के, तो ट्रेन नंबर 15715 किशनगंज अजमेर गरीब नवाज एक्सप्रेस जो कि वीक में 3 दिन चलती है, संडे ट्यूसडे एंड फ्राइडे, जो कि सुबह के 6 बजे निकलते हैं किशनगंज से, ठीक दूसरे दिन रात का तकरीबन 10 बजे ही पहुंचाती है अजमेर रेलवे स्टेशन। वैसे लगभग हम लोग इस ट्रेन से 1838 किलोमीटर दूरी तय करने वाले, तकरीबन 28 हॉल्ट के साथ 40 घंटे में। और ये रहा WAG9 तुलकाबाद का, यही लोकोमोटिव आज अपने अपनी मंजिल तक पहुंचाने वाली है भाई। स्वागत अभी जो है हम आ चुके प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, और अपने बगल में लगी हुई है किशनगंज अजमेर गरीब नवाज एक्सप्रेस, और अपने आज की जर्नी होने वाली स्लीपर क्लास में, और कोच है S2, और आपका भाई का फेवरेट सीट मिला है साइड अपर भाई। स्लीपर क्लास में जर्नी होने तकरीबन 40 घंटे की, और तो चलिए चलते कोच के अंदर, आपको इंटीरियर दिखाते, साफ सफाई दिखाते इस ट्रेन का क्या हाल है। तो चलिए, तो ये रहा अपना कोच S2, तो चलिए चलते कोच के अंदर और क्या हाल है वो दिखाते हैं आपको। और जहाँ तक साफ से की बात कर ले, फर्स्ट इंप्रेशन तो बढ़िया लग रहा है देखकर। और ये रहा अपना सीट साइड अपर बर्थ। और एक चीज़ देखिएगा आप, जो गंदगी है ना, भर भर के गंदगी है भाई यहाँ पर साइड अपर सीट पे। और इधर भी जैसा इससे कोचेज में इंटीरियर रहता है, लेकिन नीट एंड क्लीन है। और चार्जिंग पॉइंट यहाँ पर मुझे 3 दिख रहा है, और साइड अपर और साइड लोअर बर्थ के लिए एक ही चार्जिंग पॉइंट दिया हो गया है। सुबह तो अपने ट्रेन ऑन टाइम निकल चुके हैं किशनगंज से, तो चलिए आप डिपार्चर देखिए। और सुबह का तकरीबन अभी 6 ही बज रहा है, और धूप देख लीजिए भाई कितना ख़तरनाक वाला हो गया है इधर। और अपना जो प्लेटफॉर्म है सबसे आगे की साइड में है, और अपना जो कोच है सबसे आगे की साइड में था भाई। ठीक है जी, टिकट कहाँ है आप लोग का, टिकट दिखाइए, टिकट है देखिए हम लोग का। अरे AC2 है आपका, AC2 आगे है, आगे है जी। हाँ जी AC2 आगे है, 3 4 5 लोगों का सीट आगे है। ये S2 कोच है, ये S2 है जो कि बगल वाला हो। अच्छा आगे है, आगे है। तो भाई अभी भाई अपनी ट्रेन मुकुरिया रेलवे स्टेशन पे आके रुक चुके, जैसे मेरे ठीक पीछे देख रहे हो। और यहाँ पे भी बहुत ही शानदार ओवरटेक करने वाले न्यू जलपाईगुड़ी हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस, तो वो देखिए पहले आप, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा वो आपको कैसा लगा।
छोड़िए दूसरी का क्या, इसको ऐसे नीचे गिरा ना दे, मैंने ऊपर वाले कट कर देगा, इधर कर इधर कर दो, इधर भी देखिए इधर सब पराठा चावल दाल फ्राई सब्जी अचार चटनी सब मिलेगा, पराठा चावल दाल फ्राई सब्जी अच्छा मतलब थाली है ना, थाली कटिया साइड फैमिली पर चलेगा ना, खाना नाश्ता करवाइए, खाना चाहिए, खाना इनका उसी जगह से आता है सर, गेस्ट किचन हम लोग का उसी जगह, वही 9:30-10 बजे तक देंगे खाना, आप 11 बजे भी खाएंगे 12 बजे भी खाएंगे तो खाना गर्म ही रहेगा। कैसी थाली है? वेज खाना 110 रुपये का, और अंडा करी 120 रुपये, मछली 120, मछली भी है जी, चिकन नहीं लेकिन मछली है, मछली ऐसा कीजिए कि एक अंडा थाली अच्छा, एक वेज थाली और एक मछली थाली, तीन आइटम थी, किलोमीटर दूरी तय करने को अपने निर्धारित समय से 3:44 आ चुके कटिहार जंक्शन, और यहाँ पे 9 प्लेटफॉर्म और यहाँ पर रोजाना 175 ट्रेन आकर हॉल्ट करती है, और कटिहार 1973 में मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर खुद का एक डिस्ट्रिक्ट बना, और ओल्ड टाइम में कटिहार को जूट का राजधानी भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे जूट का उत्पाद बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पहले के वक्त में होता था। जैसे तो भाई लगभग 40 घंटा का सफ़र है, तो हम और हर्ष बाबू ने मिल के लिया है भाई 140 रुपये का बिस्किट, जिसमें ये देखिए ये सनफीस्ट का बाउंसी, ये हमको काफ़ी अच्छा लगता है, इसके अंदर क्रीम रहता है ऑरेंज वाले, मस्त बिस्किट लगता है, और उससे भी बढ़िया बिस्किट दिखाए आपको यूनिबिक, ठीक है, ये यूनिबिक है जीरा कुकीज़, मस्त लगता है ये भी, और ये मिल्क बिकीज तो भाई बहुत लोगों ने खाया होगा, इसमें भी क्रीम है, क्रीम वाला बिस्किट मुझे पसंद है, ये देखिए मिल्क बिकीज में ये है, और साथ ही ये जिम जैम, इसके अंदर जो रहता है ना भाई जैम भरा रहता है, ये भी काफ़ी अच्छा लगता है, इस वजह से ये भी ले लिए, मतलब 5 वेराइटी का बिस्किट लिए है, 40 घंटा का सफ़र है, खाते पीते बस कट जाएगा हंसते हंसते रस्ते, अनमोल का ड्रीम लाइट ये लोकल ब्रांड है, लेकिन फिर भी चलिए नमकीन हमको एक लेना था बिस्किट तो ले लिए, और यहाँ पे सर बीएस मोनू भैया कितने भी बच्चे सबको बिस्किट खिला रहे हैं भाई, खा लो उसके बाद, ये नमकीन है इसके बाद मीठा वाला देंगे, खाओ पहले ये वाला फिर हम नहीं लेंगे खाना, बाहर के वेंडर से खाना हम नहीं लेंगे, आपको बोलना चाहिए कि साइड में, देखिए क्या है कि जब भी आप जर्नी कीजिए ध्यान दीजिएगा, इस तरह का ड्रेस पहन के लोग जर्नी करते हैं, मतलब आएंगे खाना का ऑर्डर लेंगे, ये साइड पेंट्री या पेंट्री के स्टाफ नहीं होते, ये बाहर के स्टेशन के स्टाफ होते हैं, चलिए चलिए भैया ठीक है, ठीक है लोकल वेंडर होते हैं और आपको खाना का ऑर्डर लेके फिर दे देंगे। तो अभी जो है हम यहाँ पे ले रहे हैं 10 रुपये का चावल, और इसके अंदर मसाला वसाला डाल के बहुत ही अच्छी तरीके से बनाएंगे, तीखा कम कीजिएगा, तीखा नौगछिया रेलवे स्टेशन के पिलर नंबर 7 के पास ये जो सुधा का स्टॉल है ना, यहाँ पे 20 रुपये का ठंडा पानी बेचा जा रहा है, जबकि यहाँ पे रेट लिस्ट 15 रुपये डाला हुआ है, लेकिन तब भी नहीं बोल रहे मान रहे हैं 20 का ही पानी देंगे, देख लीजिए फेस। तो भाई अभी जो है आपने देखा पुलिस वालों ने 3-4 अनऑथराइज वेंडर को पकड़ा था, और जिनके पास टिकट नहीं था उनको ही पकड़ के लेके गए, क्योंकि अभी चेकिंग चल रहा है नौगछिया रेलवे स्टेशन में, जितने भी अनऑथराइज वेंडर जो ट्रेन में चढ़े हैं ना सबको जुर्माना वसूला जा रहा है, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है नौगछिया RPF की तरफ से।
असिस्टेंट थोड़ी दूर आगे निकला, वैसे अपनी ट्रेन रुक चुका है भाई। और लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट दोनों जो है आगे की तरफ चल रहे हैं भाई, चल रहे आगे, क्या दिक्कत है तो आगे देखने में, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा सर। एक बार चेक कर लेते हैं सर आगे से कहाँ है, देख लेते हैं। हाँ सर फील रहा है, सही है, यहाँ से वहाँ करा है सर कुछ है? लेकिन वहाँ का यहीं ज़्यादा रहा है सर। देखो तो बाबू जी वाला ब्रेक तो फ्री है ये वाला, लेकिन ज़्यादा यहीं पे हो रहा है ये इधर वाला। ये वाला इधर वाला तो फ्री है सर, दिख रहा है इधर फ्री वाला। ठीक है ठीक है, ये वाला देख लीजिए सर, यही वाला धुआं दे रहा है आप देखिए तो। और सर ये वाला देखिएगा एक बार, ये वाला देखिएगा, यहाँ से पैर मारे तो हल्का धुआं दिया इसमें से, ये वाला देखिए धुआं इसमें से दे रहा है, ये वाला देखिए पैर मारिए इसको, धुआं इसमें से दे रहा है, देखिए सर पैर मारिए, ठीक है ना। यही है वही है ना, पैर मार के देखे ना सर, देखिए है ना इधर है धुआं दे रहा है ना, धुआं गर्म है, हाँ ज्यादा है ये वाला। तो भाई अभी जो है आपने देखा, मैं असिस्टेंट लोको पायलट और लोको पायलट के साथ एसी वाले जितना भी कोचेस था मैं उसके आगे गया था, क्योंकि जो थर्ड एसी का जो कोचेस था लास्ट का तीसरा नंबर कोच पैर से भाई धुआं दे रहा था, वो जाम हो गया था, तो गार्ड साहब जो है पैर से मारकर उसको भी रिलीज किए हैं। लेकिन बढ़िया लग रहा है, और ये रहा आलू परवल का सब्जी जिसको पटल भी कहती है इसको, और ये रहा चावल, और दो पराठा दिया गया गर्मा गर्म है, तो ठंडा हो चुका है, हम लोग को दिया गया था गर्मा गर्म है, लेकिन भाई 5-10 मिनट इधर उधर करने में हो गया ठंडा। तो चलिए सबसे पहले टेस्ट कर लेते हैं दाल को। अरे भाई साहब क्या बताएं आपको, दाल में तो नमक ही ना है यार, लग रहा है जो खाना बना नमक अपने घर ले गए होंगे, नमक बिल्कुल नहीं है भाई। और सब्जी टेस्ट कर लेते हैं भाई, रुकिए सब्जी ठीक है, घर जैसा टेस्ट है, लेकिन लग रहा है चीनी डाल दिए हैं, मीठा मीठा यार, अब इसका क्या ही टेस्ट करें। अब चलिए आपके लिए फिर भी कर लेते हैं पराठा और आलू का सब्जी, बढ़िया, लेकिन दाल में अगर नमक होता तो और बढ़िया लगता। चलिए तो चलिए फटाफट इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो भाई खाने का क्वालिटी आप देख लो भाई, मैंने तो पहले बोला बढ़िया है, लेकिन लास्ट तक इतना ख़राब खाना था क्या ही बताएं। और वैसे यहाँ पर डस्टबिन में नहीं है भाई, तो देख लो, तो हम जो है इस थाली को यहाँ पर डाल दे रहे हैं भाई, जो भी OBHS स्टाफ आएगा वो साफ कर देगा।
95 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद अपने ट्रेन का छठा हॉल्ट आ चुका है ब्रॉनी जंक्शन, जिसका स्टेशन और बी जे यू। वैसे अपने ट्रेन का यहाँ पे 10 मिनट का हॉल्ट था, लेकिन अपनी ट्रेन आई है यहाँ पे 12 मिनट डिले। ब्रॉनी फेमस अपने ऑयल रिफाइनरी एंड थर्मल पावर प्लांट के लिए। भाई साहब आपको क्या ही बताया यार, हमने दोपहर में वेज मिल ऑर्डर किया था साइड पेंट्री कार, उसका हाल तो आपने देखा यार, खाने में दाल में तो नमक ही नहीं था यार। भाई हम जो है 3 टाइम का खाना ऑर्डर दिए थे, आज का भी कल का भी, लेकिन वो सारा कैंसिल कर दिए हैं। उनका जितना भी बिल होगा वो पैसा पे करके भाई हम ऑनलाइन ही खाना ऑर्डर करने वाले, क्योंकि भाई वो खाना हमसे खाया नहीं जाएगा यार। अभी तक जितना भी ट्रेन में जर्नी किया भाई वर्स्ट खाना था, सबसे बेकार खाना हमको यही ट्रेन का लगा यार, साइड पेंट्री का भी। तो चलिए यहाँ पे भी कुछ खाने पीने का आइटम देख ले, और यहाँ पे सुधा का स्टॉल वगैरह है तो चलते लस्सी वगैरह लेते हैं, और आपको यहाँ पे खाने पीने का बहुत सारा ऑप्शन आपको मिल जाए। कैसे भैया? एक प्लेट दीजिएगा 10 का। और आपको ब्राउनी जंक्शन पे है पाइन एप्पल फ्रूट्स वगैरह का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो अभी हमने है 10 रुपये का लिया है। तो भाई साहब अभी से अपने ट्रेन निकल चुके हैं ब्रॉनी जंक्शन, वहाँ से लिए हमने पाइन एप्पल ऑलरेडी आपने देखा, तो चलिए इसे टेस्ट करते हैं। पाइन एप्पल तो मीठा है, साथ में कुछ ज़्यादा ही पका हुआ है। 10 रुपये के अकॉर्डिंग रीजनेबल है, क्वांटिटी भी आपने देखा है कितना था। पैंतालीस किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अपनी ट्रेन निर्धारित समय से 20 मिनट डिले के साथ आई है छपरा जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है CPR। वैसे ये रेल बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट में आता है, और यहाँ पे 5 प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पर रोजाना 265 ट्रेन आकर हॉल्ट करती है। और छपरा में इंडिया का फर्स्ट डबल डेकर फ्लाईओवर बन रहा है, वो तकरीबन 2 से 3 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। और मैं छपरा जंक्शन की बात कर लूँ तो यहाँ पे आपको एसी डोरमेट्री, एसी रिटायरिंग रूम, एसी वेटिंग हॉल जैसी तमाम फैसिलिटीज आपको मिल जाएंगी। और यहाँ पे फूड प्लाजा भी है, तो आपको खाने पीने का कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। 2 मॉन्स्टर दे दीजिए भैया, ठंडा चिल्ड एकदम। पानी बोतल, हाँ पानी का बोतल ले लीजिए। 2 पानी बोतल ले दीजिएगा, 50 रुपये है ना, है ना पानी का बोतल भाई, कुछ खाने में रहता है दीजिएगा। 2 पानी बोतल ले लीजिए। यहाँ से जो हमने ये मॉन्स्टर स्टिंग एनर्जी ले लिया भाई, और 2 पानी का बोतल ये लीजिए। हो गया चलो। तो भाई साहब अभी बात ऐसा है, हमने छपरा जंक्शन से मॉनसून एनर्जी ड्रिंक लिया है, जो कि 110 रुपये का पड़ा है, क्योंकि भाई गर्मी इतना ज़्यादा है ना, क्या बताएं भाई। पानी तो पी रहे हैं, साथ में एनर्जी का भी ज़रूरत था, तो हमने ये एनर्जी ड्रिंक ले लिया है। तो चलिए इसे पीते हैं, वैसे थोड़ी देर में होने वाला ट्रेन का डिपार्चर, फिर दिखाते हैं आपको।
यहाँ पे देख सकते हो पैसेंजर है एक और लगेज देख रहे हो ना भाई कितना ज्यादा ही लगेज है। लखनऊ दिल्ली जयपुर 510 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद अपनी ट्रेन आ चुकी है बलिया जंक्शन जिसका स्टेशन BY और यहाँ पे चार प्लेटफॉर्म और यहाँ पर जाना तकरीबन 70 ट्रेन आके होल्ड कर दिए और यहाँ पे अपनी ट्रेन का 5 मिनट का होल्ड है। और बलिया फेमस अपने दादरी मेला के लिए जिसे पशु मेला भी कहा जाता है और ये इंडिया का सेकेंड लॉन्गेस्ट मेला लगता है। सो इस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं 580 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद निर्धारित समय से 40 मिनट के डिले के साथ मऊ जंक्शन। और आपको बैकग्राउंड में अंधेरा इसलिए नज़र आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पे भाई लाइट ही नहीं है यार, देख रहे हो ना प्लेटफॉर्म में 2-3 की तरफ में लाइट है लेकिन इस तरफ लाइट ही नहीं। मैं तो भाई मोबाइल का फ्लैश लाइट जला के आपसे बात कर रहा हूँ। और मऊ में ही जो है हमने अपना रात का डिनर भी ऑर्डर किया है तो भैया का इंतजार कर रहे हैं कब तक आते हैं फिर क्या ऑर्डर किया है वो भी आपको बताएंगे। तो भाई अभी बज रहा है रात का 8:30 और अभी जो है ट्रेन निकल चुके हैं मऊ जंक्शन से और अपना रात का डिनर भी आ चुका है और हमने क्या मंगवाया चलिए वो दिखाते हैं पहले आपको फिर लास्ट में आपको रिव्यू देंगे उसका बहुत ही बढ़िया से क्योंकि भाई अभी रात का वक्त है लाइट का भी थोड़ा इशू है तो चलिए मिलते हैं। अपना वेज मंचूरियन और ये रहा सैलेड और गर्मा गर्म रोटी और हमने ये पनीर फ्राइड राइस मंगवाया और ये दाल तड़का है। चल इसे कंप्लीट कर लेते फिर आपको इसका लास्ट में रिव्यू बताएंगे क्योंकि भाई अपने पास स्पून वगैरह कुछ है नहीं। अस्सी किलोमीटर दूरी तय करने के बाद अपनी ट्रेन का 12वां हॉल्ट आ चुका है सागन जंक्शन जिसके स्टेशन कोड SHGC और यहाँ पे अपनी ट्रेन का 25 मिनट का हॉल्ट है क्योंकि अपनी ट्रेन को यहाँ पे किया जाए लोको रिवर्सल और वैसे अपनी ट्रेन यहाँ पे आई है 20 मिनट बिफोर यानी अपनी ट्रेन अप्रॉक्स 45 मिनट रुकने वाली है सागंज रेलवे स्टेशन पे। और गरीब नवाज एक्सप्रेस के पार्ट 1 को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि भाई अप्रॉक्स 40 घंटे का जर्नी होने वाला पूरा। जहाँ तक जर्नी एक्सपीरियंस की बात करें वो तो बढ़िया था लेकिन जो कोच अटेंडेंट था OBH स्टाफ था साफ सफाई करने वाला वो भाई अभी तक आया नहीं है सुबह से। जो भी स्टाफ बैठा हुआ है 3rd AC में 2nd AC में जाके बैठा हुआ AC का हवा खा रहा है भाई बिंदास चिल मार रहा है। और जहाँ तक डिनर की टेस्ट की बात कर ले तो भाई रात में तो हमने ऑनलाइन ही ऑर्डर मंगवाया था IRCTC फूड ई कैटरिंग की वेबसाइट से और दोपहर में जो हमने लंच लिया था साइड पेंट्री से भाई उसका क्या ही बताएं आपने तो देखा ही खाना कितना बेकार था तो भाई हमें फेंकना पड़ गया था।